सूबे में महफूज नहीं बेटियां, सरेआम दुल्हन का अपहरण, पुलिस को बदमाशों का खुला चैलेंज, उदयपुर में सीकर पार्ट टू। राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। अब दो घटनाओं के बारे में सुनते ही आपकी सोच राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बदल जाएगी। एक मामला उदयपुर का तो दूसरा करीब 20 दिन पहले सीकर का है। दोनों ही मामलों में राह चलते दुल्हन का अपहरण हो जाता है। हथियारबंद बदमाश उस गाड़ी पर टूट पड़ते हैं जिसमें सवार होकर दुल्हन अपने ससुराल जा रही थी। उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके में सुथार समाज की दुल्हन की बीती रात ही शादी हुई थी। मंगलवार सुबह शादी की रस्मों के मुताबिक परिवार ने बेटी को खुशी खुशी उसकी नई जिंदगी के लिए पति के साथ विदा किया, लेकिन किसी को क्या पता था कि उदयपुर में तो जंगल राज कायम है। सुबह 6 बजे सवीना सब्जी मंडी गेट के पास कार सवार अज्ञात बदमाशों ने दुल्हन का अपहरण कर लिया। दूल्हे के साथ मारपीट की गई। वारदात के बाद से ही सुथार समाज में जबरदस्त गुस्सा है तो पुलिस के हाथ पांव अब फूल गए हैं। कुछ 4 या 5 युवक एक सफेद गाड़ी में आए और उनके साथ मारपीट करके दुल्हन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा करके ले गए हैं। इस पर थानाधिकारी हिरणमगरी और माकूल जाप्ता तुरंत ही मौके पर रवाना हुआ और घटना की गंभीरता को देखते ही तुरंत ही जिले और रेंज स्तर पर नाकाबंदी करवा दी गई। पुलिस को बदमाशों के I-20 कार में सवार होकर अहमदाबाद की ओर फरार होने की जानकारी मिली है। हाईवे पर स्थित सभी टोल नाकों पर लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उदयपुर में सभी थानाधिकारी DYSP SHO साहिबान से मिला करके स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। जो संभावित ठिकाने हैं आरोपी पक्ष के, वहाँ पे हमने टीमें रवाना कर दी गई है। तकनीकी अनुसंधान, CCTV फुटेज, गोपनीय तौर पे जानकारी या परंपरागत पुलिसिंग, जो भी तरीके हैं, हम जल्द से जल्द पीड़ित पक्ष को राहत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल दुल्हन को दस्तयाब करने और आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दूल्हा, दुल्हन के परिजन और समाज के लोग थाने में डेरा डाल चुके हैं। वाह रे राजस्थान पुलिस, आपके इस इकबाल को तो सलाम है। जो पुलिस शहर को सुबह के वक्त सुरक्षित नहीं रख सकती, वो रात में क्या करेगी? सवाल तो ये है, ऐसी पुलिस का आखिर क्या काम? क्योंकि ऐसा ही मामला करीब 20 दिन पहले सीकर के धोद क्षेत्र के नगवा गांव में सामने आया था, जहां फिल्मी स्टाइल में बारात की विदाई के वक्त दुल्हन का अपहरण हो गया था। राजपूत समाज ने 5 दिनों तक धरना दिया, प्रदर्शन किया। उसके बाद देहरादून से दुल्हन को दस्तयाब किया गया और पुलिस ने आरोपी को भी पकड़ लिया। लेकिन राजस्थान पुलिस का कितना भय गुंडों और बदमाशों में है, ये बात तो इन दोनों ही घटनाओं ने साबित कर दी। सवाल कई हैं, मसलन राजस्थान पुलिस अपराधियों पर शिकंजा क्यों नहीं कस पाती? दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं से पुलिस ने सबक क्यों नहीं लिया? क्या सुरक्षा के बंदोबस्त सिर्फ कागजों में है? उदयपुर SP से क्या DGP ने रिपोर्ट तलब की? और महिला सुरक्षा का दावा क्यों बार बार फेल साबित होता है? उदयपुर से अविनाश जगनाबत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।